रुपये डेली की कमाई हो सकती है। 1250 रुपये मतलब मंथली की कमाई कितनी हो जाएगी सर? लगभग 36,000 के आसपास होती है रॉ मटेरियल की। जी सर, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि पेन की जो रॉ मटेरियल होता है ये जल्दी से देते हैं। इसमें 500 पेन का रॉ मटेरियल फ्री मिलता है उसको मशीन के साथ में। देखिए दोस्तों, हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं पेन पैकिंग बिजनेस के बारे में। पूरी डिटेल बताने वाले हैं कि पेन कैसे बनता है, पेन की एक पेन बनाने का कॉस्ट कितना आता है और पेन का जो रॉ मटेरियल होता है कितने रुपए में मिलता है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग जानते हैं सर से कि ये पेन जो है आप पैकिंग कैसे कर सकते हैं पेन की, और पेन में जो एक पेन बनाने में कितना खर्चा आता है और आप इसको बना करके कितना पैसा कमा सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं। अगर सर हम बात करें ये पेन बनाने में कितना खर्चा आ जाता है, एक पेन बनाने में? एक पेन बनाने में लगभग आपका 1.35 रुपये से 1.42 रुपये आ जाता है पूरा खर्चा, पूरा कंप्लीट खर्चा। हाँ, जो होता है मार्केट में यही पेन 3 रुपये का बिकता है। जी जी। और जो रिटेलर बेचता है, और रिटेलर जब 3 रुपये का बेचता है तो आप मान लेते हैं जो पेन बनाकर तैयार करेंगे 2 रुपये के रिटेलर को आप दे सकते हैं, तो लगभग एक पेन में आपको 50 पैसा का फ़ायदा होगा। एक पेन में जी कम से कम 50 पैसा का फ़ायदा होगा। अब ये मशीन से करीब दिन भर में 2500 पेन आप बना सकते हैं, यानी इस मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी है 2500। मतलब एक इस मशीन से एक पर्सन कितना पेन बना सकता है? 2500 दिन भर में, दिन भर में 2500 पेन बना बना सकता है। और एक पेन में लगभग आपको 50 पैसा का फ़ायदा होगा। जी जी। तो 2500 को अगर 50 पैसा से गुणा करते हैं तो लगभग 1250 रुपये डेली की कमाई हो सकती है। 1250 रुपये मतलब मंथली की कमाई कितनी हो जाएगी सर? लगभग 36,000 के आसपास। 36,000 रुपये अगर आप लोग ना माने, आप ये समझे कि अगर आप 30,000 रुपये भी मानते हैं तो आप इससे से 25 से 30,000 रुपये आसानी से कमाया जा सकता है। और इसके पेन के जो मैं बताने वाला हूँ इसको ये लूज में कितना आता है वो सभी डिटेल में बताने वाले हैं। इसका जो लूज में आता है ये मटेरियल कैसे आता है? लूज में जैसे ये तो आप चाहे तो पीस में ले सकते हैं। जी जी, जी। और वो केजी के अनुसार भी मिल जाएगा। जैसे इसको जैसे ये इस टाइम पे क्या रेट इसका मिल रहा होगा? ये इसमें 2 प्रकार के पेन आते हैं। जैसे ये तो इसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जी जी जी। जो 185 से 195 रुपये केजी है। एक केजी पे लगभग कितने पीस होते आते हैं? 250 से 275 पीस चढ़ते हैं एक केजी। एक केजी में। हाँ। जी जी। और बाकी जो इसमें कलर होता है। जी जी। कलर पेन होता है उसमें आपके लगभग 135 से लेकर 145 रुपये केजी रहता है। जैसे कि आप ये सर मशीनें आप देख रहे हैं तो ये कितनी मशीनों से इसको मतलब पेन को गुजरना पड़ता है जिससे कि पेन बनता है? 5 सेट मशीन होती है। जैसे पहले तो हम इसमें एडाप्टर लगाते हैं। जी जी। वो मैं आपको उसको डेमो दिखाता हूँ भाई। ये 5 मशीनों में पहले एडाप्टर लगाते हैं। एडाप्टर की मशीन होती है, फिर निप लगाते हैं उसकी मशीन होती है। सर जो ये निप होती है ये निप कैसे मिलती होंगी आप बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, वो सब ग्रास में आती है। ग्रास की परिभाषा ये होती है कि जैसे 35 रुपये ग्रास, यानी एक ग्रास का मतलब 144 पीस, यानी 35 रुपये में 144 पीस। जी जी। तो इसमें एडाप्टर लगाने की मशीन होगी, निप्स लगाने की होगी, इंक लगाने की होगी और साथ में प्रिंटिंग मशीन होगी। इस तरह से 5 सेट का मशीन ये पूरा तैयार होती है। और अगर हम लोग इसके 5 सेट जो बताया आपने, ये पूरा सेट कितने में, पूरा मशीनों का सेट कितने में तैयार हो जाता है, कितने रुपए में ले सकता है कस्टमर? 12,999 की मशीन है जी, प्लस GST। जैसा कि मैंने बताया था और मशीनों में कुछ ऑफर चल रहे हैं। जी, इस मशीन में आपका 3,000 रुपये की छूट हो जाएगी जी इस टाइम पे, ऑफर के टाइम पे। अगर ये ऑफर में 3,000 रुपये, ये ऑफर कितने दिन तक रहने वाले हैं? ये 10 डेज के लिए निकाला गया है। जी जी जी। चलिए, और अगर सर बात किया जाए इस पे पेन की तो ये काफ़ी सारे वैरायटी पेन देख सकते हैं आपकी, इस तरीके के पेन हो गए। और आप इस पे देख सकते हैं कि ये पूरा पेन का आपको पूरा रॉ मटेरियल यहाँ मिलने वाला है। आपको पेन की रॉ मटेरियल की कोई कमी नहीं होने वाली, क्योंकि काफ़ी दोस्त लोग मुझसे पूछ रहे थे कि पेन का जो रॉ मटेरियल है इसको हम लोग कैसे ले सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको कहीं ज़्यादा कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं, आपको एक छत के नीचे आपको पेन मेकिंग मशीन मिल जाएगी, आपको पेन का रॉ मटेरियल मिल जाएगा। रेडू पूरा बिजनेस आपका यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, आपको कहीं और दूसरी जगह कहीं किसी से भी संपर्क करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक ही छत के नीचे आपको सारा सामान मिल जाएगा पेन से रिलेटेड। मशीनें तो लोग बहुत जगहों पर मिलती है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या होती है रॉ मटेरियल की। जी सर, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि पेन की जो रॉ मटेरियल होता है ये जल्दी से सबको नहीं प्रोवाइड करवा पाता है। तो ये जैसे कि अगर आपसे कोई मशीन लेता है तो क्या आप उसको हमेशा रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाते रहेंगे? उसको हमेशा रॉ मटेरियल उपलब्ध कराएंगे, पहले उसे रॉ मटेरियल बुक करा देना पड़ेगा ताकि उसको समय से हम दे पाएँ।
जी देखिए उसको मिल जाएगा रॉ मटेरियल पूरा यहाँ से। तो दोस्तों आपको क्या है, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको रॉ मटेरियल पहले आपको एक दो दिन पहले फ़ोन करके बुक करवा देना है, उसके बाद आपको मिल जाएगा। ये सर बताइए कि जैसे कोई मशीन लेता है तो उसके साथ में कुछ आपको मटेरियल भी दे सकते हैं? इसमें 500 पेन का रॉ मटेरियल फ्री मिलता है उसको मशीन के साथ में। देखिए दोस्तों 500 पेन का आपको रॉ मटेरियल भी फ्री मिलने वाला है, और आपको इस तरीके के काफ़ी सारे पेन, आप जैसे दोस्तों जानते होंगे कि पेन का जो बिजनेस है ये कभी बंद नहीं होने वाला, ये हमेशा चलता रहेगा, और ये पेन की जो रिक्वायरमेंट है हमेशा आती रहती है, क्योंकि स्कूल कॉलेज सभी खुल चुके हैं और हमेशा इसकी डिमांड आती रहती है। ये ऐसा बिजनेस है कि बंद नहीं होता, इसको मार्केटिंग करना है कैसे पेन को सेल करेंगे, तो सबसे पहले हम ये बनाएं कि जितने भी स्कूल कॉलेज हैं जी और स्कूल कॉलेज में संपर्क करें। अगर हम 20 स्कूल कॉलेज में टाई अप कर लेते हैं तो अच्छी से खासी व्यक्ति की सेलिंग हो सकती है। तो दोस्तों देखिए आपको एक मार्केटिंग से रिलेटेड भी सर ने जानकारी दे दी कि आप इसको सेल कहाँ कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा होता है कि प्रोडक्ट तो सभी लोग बना लेते हैं, लेकिन सबसे जो मेन काम होता है सेलिंग की, जो सेल करने के लिए मेन काम होता है, क्योंकि बिजनेस का सबसे बड़ा जो उद्देश्य होता है, अगर आपने मार्केटिंग करना सीख लिया तो आप कोई भी बिजनेस को आसानी से कर सकते हैं, आप उस पर प्रॉफिट कमा सकते हैं। बाकी तो स्टेशनरी के शॉप में, जनरल मर्चेंट की शॉप में, बसों में हम सेल कर सकते हैं, जहाँ सब्जी मंडी है वहाँ पर सेल कर सकते हैं, लेकिन जहाँ जो स्कूल कॉलेज है वहाँ पर ज़्यादा अच्छी सेलिंग होगी। तो देखिए दोस्तों आपको पूरी डिटेल इसमें पेन के लिए अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए, किस तरीके से आपको कितने की मशीन मिलेगी, सभी जानकारी के लिए आप नंबर जो दिए गए उस पर संपर्क कर सकते हैं, या तो आप ऑफिस विजिट कर सकते हैं, ऑफिस का एड्रेस सर से पूछ लेते हैं। सर आप ऑफिस का एड्रेस बता सकते हैं? ये हमारा ऑफिस प्रयागराज में ट्रांसपोर्ट नगर है। जी। जैसे व्यक्ति आएगा तो स्टेशन पर आएगा, स्टेशन पर आने के बाद आपका जैसे सिटी बस चलती है वहाँ से 20 मिनट की रास्ता है, ई रिक्शा पकड़ सकता है, ऑटो पकड़ सकता है, ओला पकड़ सकता है, 20 मिनट की रास्ता है यहाँ तक आने के लिए। दोस्तों आपको आने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, या तो आप घर बैठे कर सकते हैं मशीन। देखिए दोस्तों एक फैसिलिटी आप ऑनलाइन भी बुक करवा सकते हैं, इस पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नहीं आना चाहते तो ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं, अगर आप आकर के देखना चाहते हैं तो जैसे एड्रेस बताया गया है उस एड्रेस में आप आ सकते हैं, और आप कॉल करके पूरी जानकारी इसकी ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।